तो गांव वालों, ये है 11वां क्वेश्चन जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एज ए चैलेंज दिया था। तो चलिए मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने पास दो मासेस है, एक M1 है जो कि 1 kg का है और M2 है वो 2 kg का है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए कितना टाइम लगेगा कि या फिर किस टाइम पे जो M1 है वो लिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऊपर उठ जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर एक्सप्लेन करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले तो ऑफकोर्स हम FBD बनाएंगे। FBD मतलब क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? तो हम क्या बोलेंगे कि अपने पास पुली था, इस पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा था कितने का, F इज इक्वल टू हमें 2T दे रखा है, यहाँ पे स्मॉल टी जो है वो टाइम है, और ऐसे करके धागा था अपने पास, एक रोप बंधा हुआ था जिसमें दो मासेस लटके हुए थे, दो मासेस लगे हुए हैं, राइट? लटके हुए नहीं, लगे हुए हैं। अब M1 की वजह से जो नीचे की ओर फोर्स लगेगा वो M1G होगा, और M2 की वजह से नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो M2G होगा। तो ये दोनों मासेस जो है वो धागे को नीचे की ओर खींचेंगे, तो उसमें धागे में टेंशन क्रिएट होगा, और वो किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर, राइट? तो दोनों धागे में मैं टेंशन ऊपर की ओर टी और इसमें भी टी दिखा देता हूं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास 2T का फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, इस 2T की फोर्स ऊपर लगने की वजह से इस धागे में नीचे की ओर भी TT क्रिएट हो जाएगा, राइट? तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक का सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्या कहेंगे कि जो ऊपर वाला फोर्स है 2T, जो ऊपर वाला फोर्स है 2T वो किसके बराबर हो जाएगा? नीचे वाले दोनों टेंशन के बराबर, यानी कि 2T इज इक्वल टू टी प्लस में टी, यानी कि ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन, तो आ जाएगा 2T। तो 2 से 2 कटा, यानी कि टेंशन जो है वो टाइम के बराबर, स्मॉल टाइम के बराबर है। पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा काम आप क्या करोगे इसमें, अब नीचे में M1 का, सिर्फ हमें M1 का टाइम पूछा कि M1 किस टाइम पे लिफ्ट होगा, दोनों बॉडी का नहीं पूछा, आपसे सिर्फ M1 कब उठेगा ये पूछा गया। तो हम सिर्फ अब M1 का FBD बनाएंगे, FBD बनाएंगे किसका? M1 का। तो M1 के केस में हम क्या दिखाएंगे, सिर्फ M1G नीचे की ओर लग रहा है और एक टेंशन T ऊपर की ओर लग रहा है, जो कि अभी अभी हमने यहां से निकाला, वो कितने के बराबर है? स्मॉल टी के। अभी बॉडी लिफ्ट कब होगा, उसके लिए मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, जो टेंशन T है वो मिनिमम MG के बराबर होना चाहिए, हम ये लिखेंगे ना, T इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू M1G होगा, तो बॉडी जो है वो लिफ्ट हो जाएगा। तो मैं बार बार ग्रेटर देन ना लगा के इज इक्वल टू लिख दूंगा, तो यहां पे T इज इक्वल टू हम कितना लेंगे, M1G, M1 कितना है 1 और G कितना होगा 10, तो टेंशन जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा अपने पास 10, और सिर्फ सिंस टेंशन जो है हमारा किसके बराबर है, स्मॉल टी के बराबर है, तो हम बोल देंगे यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो भी 10 हो जाएगा, यानी टाइम इज इक्वल टू कितना आएगा 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड बाद ये जो M1 है वो लिफ्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर है सी। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूँ कि बताइए M2 किस टाइम पे लिफ्ट होगा। आप सबको M2 किस टाइम पे लिफ्ट होगा ये निकालना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भैया इस टाइम पे M2 लिफ्ट होगा, सिर्फ M2 का पूछ रहा हूँ, M1 तो 10 सेकंड में लिफ्ट होगा, तो मुझे सॉल्व करके बताइए इसी मेथड को अप्लाई करके कि M2 किस टाइम पे लिफ्ट होगा, यानी कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर लिफ्ट होने में, और हर कोई आंसर निकाल के कमेंट जरूर करेगा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, और तब तक के लिए बॉय बॉय। और हाँ, वन मोर थिंग, लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।